Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. आज का हमारा केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है जिसमें हम एटम को डिस्कस करेंगे और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे. नो, सबसे पहले देखते हैं कि ये एटम है क्या. एटम is the smallest particle of an element that can take part in chemical reaction. This is the smallest particle that can take part in chemical reaction. जैसा कि देखें, hydrogen reacts with oxygen to form water. कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. एटम दो तरह के होते हैं, एक जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मींस उनको दूसरों से इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीट. जैसा कि नोबल गैसेस हैं, उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है. वैलेंस शेल कंप्लीट है तो नोबल गैसेस को किसी से रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है. दूसरी हमारे पास टाइप है वो एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ये कौन से एटम होते हैं? ये वो एटम होते हैं जो नोबल गैसेस के अलावा बाकी सारे हैं. जैसे नाइट्रोजन है, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. नाइट्रोजन को किसी ना किसी से रिएक्शन करना होगा. नाइट्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना होगा, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने होंगे या किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे. तो हमारे पास दो तरह के एटम हो गए जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. डियर स्टूडेंट्स, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. अब हम देखते हैं कि एटम कितना स्मॉलेस्ट हो सकता है, उसका साइज, उसका डायमीटर, उसका मास कितना हो सकता है. डियर स्टूडेंट्स, एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको नेकड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते. हम नेकड आई से उसको नहीं देख सकते. नंबर टू, हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. एटम बहुत स्मॉल होता है. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो 500 नैनोमीटर या ऐसे ऊपर वाली चीजों को दिखाती है. एटम का साइज तो बहुत स्मॉल है, 500 नैनोमीटर या इससे अबव दिखाती है. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप 500 नैनोमीटर या इससे ऊपर ऊपर दिखाती है, लेकिन एटम का साइज तो बहुत छोटा है. तो फिर कितना छोटा है? इतना छोटा है कि एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम आ जाते हैं. 2 मिलियन 20 लाख. एक फुल स्टॉप में 20 लाख एटम आ जाते हैं. एटम का साइज इतना छोटा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एटम का अगर हम डायमीटर देखें, उसका साइज देखें, तो वो सिर्फ 0.2 नैनोमीटर है. बहुत छोटा है, 0.2 नैनोमीटर. एक नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर्स के. अगर हम एटम के मास की बात करें तो हमारे पास तो ऐसा कोई बैलेंस ही नहीं है जिससे हम एटम का मास निकाल सके. हमारे पास ऐसा कोई बैलेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा है, इसका मास बहुत कम है. कितना कम है इसका मास? 10^-27 से 10^-25 किलोग्राम की रेंज में आता है. तो फिर हम मास कैसे निकालते हैं? फिर हम मास उसका कार्बन 12 से कंपेयर करके निकालते हैं. कैसे? इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे.
ना हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ना ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो फिर एविडेंस क्या है कि एटम एग्जिस्ट करता है, एटम है? इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एटम को ऑब्जर्व किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जैसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब ग्रेफाइट को देखा गया, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। जब ग्रेफाइट का एक पीस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखा और फिर उसको 15 मिलियन टाइम्स मैग्निफाई करके देखा, बड़ा करके देखा, देन वी सी लेयर्स ऑफ एटम्स। दीज आर द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट एटम्स। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सोर्स यूज करते हैं वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ऑब्जर्व हो जाता है, क्योंकि उनकी अपनी वेवलेंथ इंतहाई शॉर्टर होती है। डियर स्टूडेंट्स, एटम के बारे में ग्रीक फिलोसफर का आइडिया, ग्रीक फिलोसफर का क्या ख्याल था कि मैटर को डिकम्पोज किया जा सकता है। मैटर, मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर को ब्रेक किया जा सकता है, ग्रीक फिलोसफर कहते हैं, ग्रीक फिलोसफर कहते हैं कि मैटर को ब्रेक कर सकते हैं। याद रखिएगा, ग्रीक फिलोसफर का सारा काम थ्रेटिकल था, प्रैक्टिकल बेस नहीं था, सारा थ्रेटिकल था। तो उन्होंने कहा मैटर को तो आप ब्रेक कर सकते हैं, बार बार ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप एक ऐसी स्टेट पर पहुंच जाएंगे, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। उस स्टेज को एक ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटस ने एटोमोस का नाम दिया। अब एटोमोस लास्ट स्टेज है, मैटर ब्रेक करते जाए, मैटर आप बार बार ब्रेक कर सकते हैं, कब तक? जब तक कि आप एक एटोमोस तक नहीं पहुंच जाते। अब डेमोक्रेटस ने एटोमोस ही क्यों कहा उस स्टेट को जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकती? क्योंकि डेमोक्रेटस ग्रीक था और ग्रीक में एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल, जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, जो फर्दर ना टूट सके। बाद में जो एटोमोस है उसी से ही वर्ड एटम बन गया, आजकल हम उसको एटम कहते हैं। ये वर्ड एटोमोस से है, जो कि ग्रीक है, डेमोक्रेटस ने यूज किया, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। नेक्स्ट है, जो एटम है उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं? एटम में मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं, एटम में मोर देन 100 पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिन में से 3 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स बिकॉज दे मेक अप मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ एन एटम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है फंडामेंटल पार्टिकल्स में से, ये होते हैं न्यूक्लियस में, जैसा कि आप रेड कलर में देख सकते हैं प्रोटॉन और ग्रीन में न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, जबकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसके ऑर्बिट्स में। तो एटम में भी मोर देन 100 पार्टिकल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट, एटम को फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट था, उसने एटॉमिक थ्योरी प्रोपोज की। एटॉमिक थ्योरी क्या है? एटॉमिक थ्योरी है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग।
हर चीज एटम से बनी हुई है, फिर हर चीज की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है अगर हर चीज एटम से बनी हुई है? क्योंकि एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जैसे देखें, वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होगी. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज एटम्स आर डिफरेंट. तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन प्रॉपर्टीज. ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का बेसिक पोस्टुलेट है. डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है पास्ट पेपर में कि व्हाट इज द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डियर स्टूडेंट्स, देखें, हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है और दो हाइड्रोजन के एटम है, ये मिलते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है. ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? 16 amu. हाइड्रोजन के दो एटम का मास कितना है? 2 amu. अब देखें, 16 ये है, 2 ये है, तो टोटल वाटर के मॉलिक्यूल का मास 18 बनेगा. क्यों? जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही प्रोडक्ट्स का मिलके बनता है. 16 प्लस 2 18. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. अब चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला के मास 18, प्रोडक्ट का मास भी 18. दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में है जैकब बर्जीलियस की कंट्रीब्यूशंस. जैकब बर्जीलियस ने दो काम किए, एक एलिमेंट्स के सिंबल डेवलप किए. जैसा कि देखें, हाइड्रोजन का सिंबल एच है. इसने कहा कि एलिमेंट जो उसके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कैपिटल लेटर में देंगे तो वो उसका सिंबल बन जाएगा, लेकिन अगर कोई दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट एक जैसे अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, दोनों हाइड्रोजन से शुरू हो रहे हैं, तो फिर उसने कहा कि आप दूसरे वाला लेटर भी यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन को एच से और हीलियम को एच ई से लिखते हैं, नाइट्रोजन एन, नियोन भी एन से है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाला अल्फाबेट यूज कर लेंगे. नाइट्रोजन का एन बड़ा है, नियोन का भी एन बड़ा है, लेकिन ई छोटा है, स्मॉलर लेटर्स में है, तो ये सिंबल दिए. इसने इस तरह सिंबल्स का एक सिस्टम डेवलप करके केमिस्ट्री को बहुत आसान बना दिया. क्योंकि अगर आप इससे पहले वाले सिंबल चेक करें जो कि जॉन डाल्टन ने दिए, ये बहुत मुश्किल थे. आप हाइड्रोजन का सिंबल देखें, आप कार्बन का सिंबल देख लें, ऑक्सीजन देखें, इसके साथ साथ आप मरकरी का सिंबल देखें, गोल्ड का देखें, इसी तरह ना सिर्फ एलिमेंट्स के बल्कि कंपाउंड्स के भी सिंबल्स थे. तो अब तो बिलियंस कंपाउंड बन चुके हैं. अगर डाल्टन वाले एलिमेंट्स के सिंबल यूज करें तो हम इतने ज्यादा सिंबल एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के याद ही नहीं रख सकते थे. और फिर जब फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कंपाउंड बन जाते तो नेक्स्ट तो सिंबल देना ही इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. अगर डाल्टन को फॉलो करते, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनाते, तो बर्जीलियस ने ये काम बहुत आसान कर दिया. दूसरा कंट्रीब्यूशन, बर्जीलियस ने एटॉमिक मैसेस दिए एलिमेंट्स के विच आर वेरी क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यूज. इसने मेथड कौन सा यूज किया था? इसने वेपर डेंसिटी मेथड है वो यूज किया था. आजकल तो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, मशीन आई हुई हैं जो हमें एटम की करेक्टरिस्टिक्स बता देती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो जैकब बर्जीलियस की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये पास्ट पेपर में एमसीक्यूज में आई हुई हैं दो दफा. एक दफा आया कि हु गेव सिंबल्स ऑफ एटम्स,
किसने एटम के सिंबल दिए, और दूसरी दफा आया हुआ है कि जैकब बर्जीलियस की कंट्रीब्यूशन के बारे में एमसीक्यू है। तो ये इस लेक्चर में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक व्हाट इज द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और दूसरा जैकब बर्जीलियस की कंट्रीब्यूशंस। ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल क्या है और फिर मॉलिक्यूल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। थैंक यू वेरी मच।